जैसा कि हम लोग यहाँ पे हमारे केंद्र से कार्यकारिणी के द्वारा अपने न्यायोचित मांगों के लिए आज मुख्य अभियंता कार्यालय पे 24 घंटे का उपवास का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगें निम्नमत हैं। सबसे पहला मांग है कि हमारे नॉन फंक्शनल ग्रेड पे 4800 को तत्काल समाप्त किया जाए। अगर अगला कोई कैडर हमारे और अभियंता के बाद कोई कैडर सहायक अभियंता का है तो प्रमोशन अगर हमें नहीं मिल पाता है तो हमारा अगला कैडर का ही हमको ग्रेड मान मिलना चाहिए, जो 5400 है। 5400 का ग्रेड मान मिले और 4800 का तत्काल विलोपन प्रबंधन के द्वारा किया जाए। दूसरी प्रमुख मांग हमारी ये है कि जो ये 4600 का ग्रेड पे अभी चल रहा है वर्तमान में, उसको 1/1/2006 से लागू किया जाए, जिससे हमारे जो पुराने प्रोन्नत सहायक अभियंता हैं उनके साथ न्यायोचित मांग हो सके, उनके साथ न्याय का कार्य किया जा सके। तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आज के सरकार के मंशा के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र हो या अर्बन क्षेत्र हो, सब जगह पे सरकार चाहती है कि उपभोक्ता सेवा सर्वोपरि रखा जाए, लेकिन उपभोक्ता सेवा करने के लिए व्यवस्था की मांग हमारे द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन प्रबंधन इसके द्वारा हमेशा अक्षम अपने आप को प्रदर्शित किया है। व्यवस्था ना होने के कारण हम सरकार के मंशा के अनुरूप उपभोक्ता सेवा नहीं दे पा रहे हैं, जिससे सरकार की भी छवि समाप्त खराब हो रही है और इस विभाग की भी छवि खराब हो रही है किसी न किसी तरीके से। तो सबसे मुख्य मुद्दा है कि व्यवस्था हमें डोर टू पे हमारे उपकेंद्रों पे हमारे जहाँ पे भी व्यवस्था की कमी है, जो भी व्यवस्था वाजिब मिलनी चाहिए उसको प्रबंधन ससमय व्यवस्था हमें दे। और तीसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे साथी हैं जो आगे प्रमोशन की कैटेगरी में हैं और आगे असासी अभियंता अधीक्षण अभियंता के प्रमोशन के कैडर में जाएंगे, उनको अभी 6600 का वेतनमान मिल रहा है, ग्रेड पे मिल रहा है, उसको अगला ग्रेड में 8700 का है उसको भी लागू किया जाए। नहीं तो ये भविष्य में जो असमानता है किसी न किसी तरीके से हमारे संवर्ग में काफ़ी हीन भावना का इससे मैसेज जा रहा है प्रबंधन के द्वारा, उस प्रबंधक से आग्रह है मेरा कि इसको 8700 किया जाए। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जे पटेल साहब इसके लिए साल भर से बिना वेतन लिए इसके लिए कार्य भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। आज हमारा जो इसी केंद्र के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें हम 24 घंटे उपवास का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज 13 सितंबर को मुख्य अभियंता कार्यालय प्रयागराज क्षेत्र प्रयागराज के कार्यालय पे मैं सुनील सिंह जनपद सचिव प्रयागराज राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन केंद्र के आह्वान पर ये हमारा कार्यक्रम का दूसरा चरण है। पहले चरण में हम जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन के माध्यम से जागरूक करने का एक कार्यक्रम चलाया जिससे हमारे प्रबंधन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरे चरण के कार्यक्रम में हम लोग 24 घंटे के अनशन पर बैठे हुए हैं। इसमें हमारी जो प्रमुख मांगें ये हैं कि हमारा जो व्यवस्था है व्यवस्था के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है और हमको बिना व्यवस्था दिए ये मांग की जा रही है कि आप हमको 24 घंटे विद्युत आपूर्ति दीजिए, जो कि संभव नहीं है। और साथ ही अगर हमारे साथ एक छलवा किया जा रहा है कि हम सेम पद पे अगर हम प्रमोशन होकर पहुंचते हैं तो हमारा जो वेतनमान होता है डायरेक्ट से कम होता है, तो जो कि एक अन्याय हो रहा है हमारे साथ, उसके अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमारा ये पूरे प्रदेशव्यापी एक आंदोलन चल रहा है जिसमें आज पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे और अभियंता साथी और पूर्ण अभियंता साथी हैं अनशनरत हैं और वो 24 घंटे के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इससे शासन के मंशा के अनुरूप जो कार्य होना है वो भी प्रभावित हो रहा है, जिसका पूर्ण जिम्मेदार प्रबंधन है जो कि वादा करके वार्ता करके कार्यविधि जारी करके उसका अनुपालन नहीं कर रहा है, जिसके विरोध में आज हम यहाँ पे बैठे हैं। इंद्रेश यादव जनपद अध्यक्ष प्रयागराज।